जो है ना कि ये हमने पारे को कायम किया हुआ है पहले, तो पहले हमने भूखा किया था, जो मैं पहले नुस्खा बता चुका हूँ कि तेजाब नमक को हटा दिया और निशाकर डालें और 10 दिन रखें पारे को, उसके अंदर फिर 2 घंटे पका दें तो वो भूखा और नीम कायम हो जाते हैं और मुसाफा भी होता है। उसके बाद हमने इसको निशाकर के तेल में पकाया है, जो कराची में मैंने बताया था तेल उसी के अंदर वहाँ पका के फिर अब हम इसको कुश्ता अहमर तैयार कर रहे हैं कि ये 100 ग्राम पारा 10 तोले मौजूद है, ये हमने डाल दिए इधर ये स्टील की बाटी के अंदर पारे को, और इधर हम डाल देंगे तेजाब शोरा। तेजाब शोरा डाल देंगे 1 पाव, तो इसको हम उधर रख देंगे, जब पारा तेजाब में हल हो जाएगा तो 2 चम्मच कास्टिक पत्री के डाल देंगे, फिर वो 2 चम्मच कास्टिक पत्री के जब वो भी हल हो जाएंगे इसको रेत पर रख के पकाएंगे, तेजाब उड़ जाएगा और पारा खून की मानक सुर्ख कुश्ता हो जाएगा। अभी इसके अंदर कास्टिक और तेजाबियत मौजूद है, हम इसमें 1 पाव पानी डाल के 2-4 उबाल देंगे और फिर इसको गुसल दे देंगे, इसी तरीके से 4-5 बार गुसल देंगे तो कास्टिक और तेजाबियत निकल जाएगी और कुश्ता पारा अहमद रह जाएगा। उसको आग आग पे खुश्क करेंगे तो ये कुश्ता पारा अहमद हमारा तैयार हो गया पावे का, बशर्ते कि हमारा पारा कायम नार होना चाहिए, कायम होगा तो कुश्ता पारा अहमद होगा नहीं तो नहीं। ये है तेजाब पाना। मैंने ये बताया कि आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने बताया कि आप अगर वो तेल नहीं बनाना चाहते तो फिर आप ये तेल बना लें समंदर झाग वाला, ये जल्दी बन जाता है और पारे को 1 किलो की बंद आग में से शर्तियाँ निकालता है। हाँ जी हाँ जी, म्यार उसका वही है, म्यार उसका वही है, 1 किलो की बंद आग में से पारा निकलता है, ये बना लें चाहे वो बना लें, टाइम है तो वो बना लें, अगर इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो ये वाला बना लें समंदर झाग वाला, तो इंशाल्लाह इसको आग दे के ये कायम करें लर्दा करें और उसके बाद इसको आप पुछता करें तो ये आपका बाप वजन दूर होगा। इसकी एक चाल और बता देता हूँ आपको, ये आके बड़ी एक सीधी चाल है, ये 1 तोला कुश्ता पारा ले लें अहमद, 1 तोला इसके अंदर रस्क पूर, 1 तोला दाल चिकना, 1 तोला संखिया इसी के साथ खरल कर और 2 प्यालियों में इसके जौहर लें, ये 5-7 बार जौहर लेने पे वो तीनों चीज़ें तय निशीन हो जाएंगी, कायम पारे के साथ ही कायम हो जाएंगी। अब ये आपकी बहुत बड़ी अक्सीर बन गई है, अब इसको अगर आप 4 ग्राम लेके एक थोड़े नीले पे लेप करके आग दें तो फिर नीला सफ़ेद तैयार हो जाएगा और बिना जंगार बाग्रंट होगा, और अगर इसके साथ आप काफूर खरल कर दें 2 तोला और 6 मासे फास्फोरस दाना दाना करके खरल करेंगे तो ये मोम तैयार हो जाएगी खरल में, वो मोम अगर 2 मासे ही रहेगी खड़ को लगा के आग देंगे तो सिर कोयलों की तो हिंदा फिर खोल कर गुस्सा हो जाएगा, तो ये फिर पारे की अहमर की चाल मैंने 2 रास्ते फिर आगे बता दिए, कराची तो काम जहाँ करता ही है फिर आगे भी इसके रास्ते, तो ये है जी पारा जी। अच्छा जी शफीक साहब, शफीक सन्यासी साहब चकमाल से जी, शफीक सन्यासी साहब चकवाल से कुश्ता पारा मुकव्वी बनी